कि जलियांवाला बाग से चिंगारी शुरू हुई थी। हमारे कई सम्मानित सदस्यों ने यह कहा सभापति महोदय कि इतिहास में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जलियांवाला बाग में सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने अपने प्राणों की जो आहुति दी थी, मैं कहना चाहूंगा कि उनका जो रक्त बहा था, वह रक्त की जो गंगा बही थी, वहीं से इस आंदोलन के एक नए स्वरूप की शुरुआत हुई थी। आज यदि हम उसे स्मरण करना चाहें तो मैं कहना चाहूंगा उन्मुक्त मरण त्योहार राष्ट्र का मंगल हो, उत्सर्गी रक्त फुहार धवल गंगा जल हो, अब नए क्षितिज हो आस्थाओं से आलोकित, बलिपंथी पर बलिहार राष्ट्र का मंगल हो। अब यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब हम कहते इतिहास नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। जलियांवाला बाग क्यों शुरू हुआ था? रॉलेट एक्ट के लिए। रॉलेट एक्ट क्यों आया था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज सरकार ने एक ऐसा एक्ट लाया था कि किसी को भी बगैर मुकदमा चलाए अंदर कर सकते थे और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की प्रताड़ना और यातना दी जा सकती थी। अब वो क्यों लाए थे? मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा, क्या यह सत्य नहीं है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, चाहे जो भी कारण रहा हो, हम उसको दोष नहीं देते, पर कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था, भले इस प्रत्याशा में किया था कि युद्ध के बाद वो हमें आजादी देंगे, परंतु वह बात गलत सिद्ध हुई, क्योंकि हमारे यहां तो शास्त्रों में कहा गया है, षठ संग विनय कुटिल संग प्रीति, यानी दुष्ट के साथ नीति और कुटिल व्यक्ति के साथ विनम्रता, यह उचित नहीं होती। इसीलिए वीर सावरकर ने एक शब्द प्रयोग किया था कि सद्गुण बहुत अच्छा होता है, पर कई बार सद्गुण गलत व्यक्ति के सामने प्रयोग कर दिया जाए तो वह सद्गुण विकृति हो जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा सहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, उससे पहले तो सहयोग चल रहा था, और उसके बाद जैसे ही उनके हाथ में सत्ता आई, उन्होंने इस प्रकार का शर्मनाक कांड किया, इस प्रकार की जो हत्याएं की। अब यहां से मैं कहूंगा एक बिंदु का ध्यान देना चाहिए, इतने लोगों ने अपना रक्त बहाया, बाजवा साहब ने खुद कहा वहां से चिंगारी शुरू हुई, तो अब आगे कभी इतिहास में यह नहीं कहना चाहिए कि बगैर एक भी रक्त का बूंद बहाए हमें आजादी मिल गई। हमें कभी यह नहीं कहना होगा कि बिना खड़क डाल के आजादी मिली, अरे साहब गोलियों की बौछार को सामना करते हुए हजारों लोगों ने अपना खून बहाया तब जाके आजादी की शुरुआत हुई। इसलिए जब हम न्याय की बात करते हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से पूर्ण न्याय की बात करें। 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, उससे 10 साल पहले और 10 साल बाद के भारत की आप जरा सा देखिए कि क्या स्थिति थी। 1912 में वाइसराय के ऊपर बम फेंका गया था, केवल 1910 से 30 के बीच की बात कर रहा हूं। चटगांव में, चट्टोग्राम जो अब बांग्लादेश में चला गया, वहां शस्त्रागार पे कब्जा कर लिया गया था सूर्यसेन जी के द्वारा। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर पर अटैक हुआ था। लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाना कब्जा कर लिया गया था, और लाहौर में असेंबली में भले ही किसी को मारने का उद्देश्य नहीं था जैसा कि बताया गया, अभी वहां पर बम फेंका गया था। अब आप कभी कल्पना करिए कि वाइसराय पे अटैक, असेंबली में अटैक, शस्त्रागार और कोषागार, तो सरकार तो बिल्कुल हिल गई होगी। क्या उन सारे लोगों का कोई योगदान नहीं था स्वतंत्रता में? तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा स्वतंत्रता में सभी ने योगदान दिया है, राजनीतिक आंदोलन ने भी योगदान दिया है, तो जिन लोगों ने क्रांति की है उन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया है। न्याय हो तो सभी के साथ न्याय होना चाहिए, जो लोग जेल में रहे उनका योगदान है, निश्चित रूप से योगदान है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जेल में रहे, उनका योगदान अविस्मरणीय है, परंतु जिन्हें जेल में रहकर पुस्तक लिखने की भी सुविधा मिली और सुख मिला, उनका जितना योगदान है उससे अधिक योगदान उन लोगों का है जिन्हें जेल में रहकर प्रताड़ना यातना और कोल्हू के बैल की तरह पीरा गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब हम इसकी बात करते हैं कि सारे विचार को हम एक समान दृष्टि से देखें, तो इस देश के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रयास रहे उन सब को एक समान दृष्टि से देखने की आज आवश्यकता है।